देश प्रदेश में गौवंश में तेजी से फैल रहे लंपी वायरस को लेकर बीज निगम के अध्यक्ष व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर चिंतित है। धीरज गुज्जर गौवंश को बचाने के लिए गौ संकट निवारण पदयात्रा भीलवाड़ा से कोटड़ी तक निकालेंगे। इस दो दिवसीय पदयात्रा की शुरुआत संकट मोचन हनुमान मंदिर से होगी। राजस्थान बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुज्जर ने कहा कि लंपी बीमारी का संकट गंभीर है और इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। सरकार सभी प्रयास कर रही है, दवाएं भी उपलब्ध करवाई है। 14 अक्टूबर को गौ संकट निवारण पदयात्रा संतों के सानिध्य में शुरू होगी। इसमें जिले भर के गौ भक्तों के साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। पहले दिन ये पदयात्रा शाम को सातोला का खेड़ा पहुंचेगी, जहां गौ भजन संध्या रखी गई है। पदयात्रा के दौरान सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और पर्चे के साथ ही गायों के इलाज के लिए देसी लड्डू भी वितरित किए जाएंगे। जबकि 15 अक्टूबर को सातोला का खेड़ा से पदयात्रा रवाना होकर साय कोटड़ी पहुंचेगी, जहां चारभुजा मंदिर में गौ छप्पन भोग भंडारे का आयोजन रखा गया है। जलाप से तैयार कर जिले की विभिन्न गौशालाओं में पहुंचाई जाएगी। भारतवर्ष में गौ माता लंपी माम पूरे भारतवर्ष में गौ माता शुरू करूँ पूरे भारतवर्ष में गौ माता लंपी नामक महामारी से भयंकर रूप से ग्रसित और पीड़ा के अंदर है, और इससे मुक्ति भगवान के अलावा कोई नहीं दिला सकता है। इसलिए मैंने 14 और 15 अक्टूबर को भीलवाड़ा में संकट मोचन हनुमान जी से कोटड़ी चारभुजा नाथ धाम तक गौ संकट निवारण पदयात्रा निकालने का संकल्प लिया है, जिसमें 14 तारीख को भीलवाड़ा संकट मोचन हनुमान जी पेच के बालाजी से होते हुए रवाना होंगे। गौ माता की पूजा करके साधु संतों का आशीर्वाद लेकर यहां से पदयात्रा रवाना होगी, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त होंगे। पहले दिन सातोला का खेड़ा रुकेंगे, विश्राम करेंगे और अगले दिन 15 तारीख को कोटड़ी चार बजे नाथ पहुँचेंगे। वहाँ पर विशाल गौ छप्पन भोग भंडारे के साथ भगवान के चरणों में धोग देकर इस पदयात्रा का समापन होगा, और इसमें हमारे एक ही कामना है कि हे ईश्वर गौ माता को इस संकट से उबार दे, इस संकट का निवारण कर दे, इसलिए हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं।